श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर महंत बलदेव दास जी की अध्यक्षता में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में मुंबई से विशेष रूप से परम श्रद्धेय गुरु राधे माजी श्रद्धालुओं की आस्था का विशेष केंद्र रहे। ये शोभा यात्रा परम हंस बाग मुकेरिया से आरंभ होकर मुकेरिया शहर की परिक्रमा करते हुए वापस परम हंस बाग में आकर सम्पन्न हुई। इस अवसर पर टल्ली बाबा, पवन कुमार पम्मा, मनमोहन गुप्ता, शिव चाचू, छोटी माँ, मंगलेश कुमार, रमेश कुमार, अशोक शर्मा सहित असंख्य श्री राम भक्त मौजूद थे। शिव दुर्गा मंदिर बेअंत नगर रामा मंडी में श्री राम नवमी व मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वार्षिक साई संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवक हरजिंदर सिंह ढींढसा को विशेष तौर पर शामिल होने पर प्रधान प्रेम सिंह, हरीश तुल्ली, अश्विनी कुमार, सुरेंद्र पप्पू, केवल कृष्ण शर्मा और सुरेंद्र वशिष्ठ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कुमार लागू एंड ग्रुप व सुल्तान एंड पार्टी ने साई महिमा का गुणगान किया। इस दौरान हैप्पी खोसला, सोहनलाल शर्मा, रवि डायमंड, तेजिंदर सिंह सैनी, ललित सहित अन्य साई भक्त मौजूद थे। अंत में लंगर भी लगाया गया। सदगुरु रविदास पब्लिक स्कूल गांव जैते वाली जलंधर में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संत कृष्ण नाथ डेरा बाबा फूल नाथ चहेड़ू वालों ने की। समागम में स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्कूल के सभी बच्चों को निशुल्क स्कूल की वर्दियां और पानी की बोतलें भी दी गई। इस मौके पर संत कृष्णा देवी, संत मोहनदास, संत भगत राम, एनआरआई महेंद्र भट्टी, सरपंच तरसेम पवार, प्रिंसिपल ब्रिजलाल कलसी, पंच विनोद, बलबीर चंद महमी और बूटाराम सहित गांव निवासी भी मौजूद थे। वास्ते आया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सतगुरु रविदास पब्लिक स्कूल तापस्थान संत बाबा फूलनाथ जी पिंड जेतेवाली वालों धन्यवाद है। मीडिया का होना बड़ा जरूरी है। साड़िया सारिया विचार साड़िया गतिविधियां संगत तक जन जन तक पहुँचाने इन्हों विशेष सेवावान ने और बड़ा बड़ा योगदान है। असं इन्हों का धन्यवाद करते हैं। 2 फरवरी 2010 स्कूल ए होंद आया
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 100% ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ। श्री सनातन धर्म महावीर दल द्वारा मंदिर श्री बजरंग भवन मोहल्ला नंबर 19 में श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रभु श्री राम जी का जन्म महोत्सव बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसमें मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचकर श्री राम भक्तों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नूर महल के प्रभु भक्तों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस समारोह में कमेटी के प्रधान अशोक रानू, उप प्रधान भूषण अग्रवाल, राकेश कुमार व प्रोफेसर त्रिलोक अग्रवाल ने सभी श्री राम भक्तों को राम नवमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र गुप्ता व अन्य गणमान्य लोगों को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राजेंद्र वत्स, विपिन लूथरा, पीएल हांडा, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री सहित अन्य श्री राम भक्त मौजूद थे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਖੈਬਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰਮਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਰਾਮ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਟੂਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਹੋਤਸਵ 2014 ਅੱਜ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਮੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਕੀ ਜੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਆਈ ਥੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿਆ ਔਰ ਭਕਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਆਪ ਸਭੀ ਛਾਵਨੀ ਨਿਵਾਸੀਓ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨਿਵਾਸੀਓ ਕੋ ਸਭੀ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋ ਬੜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲ ਕਰ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕੋ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਉਸਮੇ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਨਵਰਾਤਰੋ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇ ਸਭੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ ਕੋ ਬਹੁਤ 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 ਬਧਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਜੀ ਔਰ ਵੋ ਹਲਚਲ ਚੈਨਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਸੇ ਸਭੀ ਕੋ ਜੋੜਾ ਹੈ,
सारा दिन रात ये जो चैनल चलता है धर्म के प्रति युवाओं को प्रेरित कर रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, समाज में जो ये चेतना आ रही है इस समाचार पत्र से और इस चैनल से, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर मोहल्ला नंबर 17 में राम नवमी के अवसर पर कंजक पूजन व श्री राम भजनों का गुणगान किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान कमल चौहान, चेयरमैन हरविंदर पप्पू ने सभी श्री राम भक्तों को इस दिन की शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम जी की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। इस अवसर पर प्रभु दयाल, उषा रानी, ज्योति, रजनी, जगदीश, दिशा, लाल कुमार, जतिन गुप्ता, पंडित राजेंद्र, राजू सहित अन्य श्री राम भक्त मौजूद थे। इस मौके कमल चौहान जी, हांडा जी, लाल जी, राजू पंडित जी और सारे साडियां माता और भैन श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के अंदर बेसाब कंजक गिनिया तो नहीं चाहिए, बेसाब कंजक के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया सी। और इदा ही हर साल माँ चिंतपुर्णी का सारी देवी देवत्या आशीर्वाद लेंदे रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में चेतर दे नराते पूरे दिन 9 दिन रात को 6 से 8 कीर्तन होता रहा। कीर्तन के मंडलियां साड़िया सारे भैन भैन आए मंदिर के मंदिर की मंडली उन्होंने कीर्तन गाया और 9 दिन प्रसाद बनया रात को। अज के दिन बेसहाशा कंजका इतिया कंजका सुंदर सुंदर छोटी छोटी कन्या ये रामा मंदिर में आई हैं, इनको हमने प्रसाद किया। रामा मंदिर कमेटी इन कंजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जो छोटे छोटे कन्या रामा मंदिर में आकर हमारा जीवन सफल बनाया। श्री सनातन धर्म रामा मंदिर में 9 दिन महामाई का कीर्तन वागलन बड़ी श्रद्धा पूर्वक से श्री सनातन धर्म रामा मंदिर के भक्तों ने किया था। लुधियाना के SN जैन मॉडल स्कूल द्रेसी में श्री राम शरणम द्रेसी की ओर से रामनवमी के अवसर पर विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। ये आयोजन परम पूज्य पिता हंस राज जी महाराज, भाई साहेब कृष्ण विज जी और रेखा विज जी के पावन आगमन पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रभु श्री राम जी का गुणगान कर परम पूज्य पिता हंस राज जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भाई साहेब कृष्णा विज जी और रेखा विज ने और भगत देवेंद्र सूद ने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को कृतार्थ भी किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद थे। शरणम द्रेसी रोड लुधियाना की ओर से ये समाचार देना चाहता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना सभा में जो प्रत्येक मंगलवार को होती है, आज उसमें गोहाना आश्रम राम शरणम प्रमुख पूज्य पिताजी भगत हंस राज जी विज, आदरणीय श्री कृष्ण जी, आदरणीय श्रीमती रेखा जी प्रार्थना सभा में आशीर्वाद देने आए।
हजारों की संख्या की गिनती में लोगों ने आके सत्संग का आनंद भी लिया और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी लिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो सेवा के कार्य में जिन्होंने सबका सहयोग मिला। लुधियाना के वृंदावन रोड पर अहूजा परिवार के निवास स्थान पर श्री हनुमंत सेवा परिवार की ओर से श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अहूजा परिवार के हर सुखराम अहूजा, शांति देवी अहूजा, अशोक अहूजा, वीना अहूजा, गुलशन अहूजा, नीरज अहूजा, अभय अहूजा, विशाल अहूजा और अभिषेक अहूजा ने पूजन करवाया, जिसके उपरांत श्री हनुमंत सेवा परिवार के सदस्यों ने सुंदरकांड पाठ किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी गया। इस मौके पर चेयरमैन मिंटू मिगलानी, प्रधान रमेश सोनी, सचिन खन्ना, चेतन वासन, अनिल सोनी, नितिन, सुमित, कमल सोनी, मोहित सोनी, महेंद्रपाल बजाज, निधि बजाज, नितिश बजाज, पलक मेहता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। फिलौर के मां वैष्णो देवी मंदिर में मां के पावन नवरात्रों के अंतिम दिन हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इस पावन यज्ञ में पूर्णाहुति डाल मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर पुजारी पंडित परविंदर जोशी ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया और मां वैष्णो देवी भजन मंडली ने कीर्तन कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। अगर आप हलचल के बारे में किसी भी तरह के सुझाव देना चाहते हैं या विज्ञापन और अपने धार्मिक सीडीज के प्रोमो देना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 4625005 4626006 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ईमेल आईडी halchalchannel@yahoo.in पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमें आपके सुझावों और विज्ञापनों का इंतजार रहेगा। और अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, संचालिका सहित 6 लोगों को किया काबू। जयमल नगर में रंजिश के चलते पड़ोसी भिड़े, दोनों पक्षों के 3 लोग हुए घायल।
श्री रामनवमी के अवसर पर शिव शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर से निकाली गई भव्य श्री रामनवमी शोभा यात्रा, संत महापुरुषों ने की अगुवाई, उमड़ा भक्तों का सैलाब। फगवाड़ा में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ। गांव चाचौकी में चोरों ने एक बैटरी की दुकान को बनाया निशाना, उड़ाया लाखों रुपयों की कीमत का सामान। सांसद नरेश कुमार गुजराल ने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से की विशेष भेंट वार्ता। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।